सोशल मीडिया पे छत्तीसगढ़ के एक बच्चा जो कि बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे जो सॉन्ग गाया था, वो लड़का काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उस लड़के के माता पिता से मिलाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं आखिर में ये लड़का इतने तेजी से वायरल कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूँ, 2 साल पहले की बात है, ये वीडियो वो लड़का ने अपने स्कूल फंक्शन में गाया था और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। समय की बात था जब उस लड़का के पास ना ही मोबाइल था ना ही उनके घर में टीवी था। उन्होंने ये वीडियो किसी अपने दोस्त के मोबाइल से पहले व्हाट्सएप पे शेयर किया, इसके बाद इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड किया। इसके बाद वहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन ये 2 साल बाद यानी कि जब ये 7वीं में गया तो ये वीडियो अचानक से वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद इस वीडियो पे एक भाई ने इंस्टाग्राम पे अपलोड करता है और इस वीडियो के साउंड पे बादशाह जैसे ही वीडियो बनाता है तो उनके वीडियो पे 50 मिलियन प्लस व्यूज हो जाता है और अचानक से ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगता है। और इसके बाद बादशाह ने उस लड़के से वीडियो कॉल पे बात करते हैं और इसके बाद उस लड़का को चंडीगढ़ बुलाता है बादशाह। इसके बाद आप मिलिए इनके माता पिता से। यदि सर उसका वीडियो स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, सर लोग उनके सर लोग जो गाने बोले थे तो इस गाना को गाए तो अच्छा लगा गाना, तो उसको व्हाट्सएप में डाले, व्हाट्सएप से फिर यूट्यूब में डाल दिए, तो धीरे धीरे गाना को आगे बढ़ने में कम से कम 1.5 साल लगा। और सादेव को पता भी नहीं था कि मेरा गाना इतना फेमस होगा और धीरे धीरे लोग ट्विटर फेसबुक और यूट्यूब में होते होते यहाँ तक आ गया। तो उसको खोजने सुकमा के भाई लोग पहुँचे और उसको बादशाह सिंगर है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात किए करवाए और उनको जल्दी से चंडीगढ़ बुला लिए। फ्लाइट में रायपुर से जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए, वहाँ से फिर चंडीगढ़ जाएंगे ऐसा सूचना मुझे मिली। परिवार है उनका, उनके दीदी है, बड़े दीदी है। और हमें बहुत खुशी हुआ कि हमारे आदिवासी इंडियल क्षेत्र का जगह का एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा जो है 9 साल का, जो 5वीं पढ़ते समय 2 साल पहले उस गाना को गाया था, धीरे धीरे आज तक जो इतना फेमस हो गया। और गांव में बहुत खुशी की बात है, जो हमारा हम कभी फ्लाइट में नहीं बैठे होंगे, वो छोटा 9 साल में उनके बाप को रास्ता दिखाया फ्लाइट में बैठने का, और कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना आगे तक जाए, लेकिन कहाँ की कहाँ पहुँचा दिया सोशल मीडिया ने उस बच्चा को। और आशा करते हैं और दुआ देते हैं कि उसका और भी आगे बढ़ते रहे और अच्छा बने और भी अच्छा गाना गाए, यही हम लोग चाहते हैं। और पूरा हमारा बस्तर का एक आदिवासी सुदूर इलाका का जो सुकमा जिला में आता है, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला से और छिंदगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत उर्मापाल से जो है ये निकल के गया। बहुत इतना वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।